संपूर्ण जून के माह में कुछ विशेष बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यदि आप शेयर मार्केट का कार्य करते हैं तो सतर्कता के साथ करें, सट्टा लोटे इत्यादि का कार्य न करें। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि का मासिक राशि फल जून सन 2022 को लेकर के। कैसी ग्रह गोचर स्थिति रहेगी कन्या राशि के जातकों की इस जून के माह में, संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति का हम विश्लेषण करेंगे। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य की, आर्थिक स्थिति की, कामकाज की, नौकरी के क्षेत्र की, क्या क्या उतार चढ़ाव आपको इस जून के माह में देखने को मिल सकते हैं, कौन सी तारीखें जून माह की आपके लिए सर्वश्रेष्ठ व लाभप्रद रहेंगी, भाग्यशाली तारीखें रहेंगी, कौन सी तारीखों में आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, सावधानी से आपको रहना होगा, इन तमाम बातों की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं राशिफल प्रारंभ करूं से पहले आपको बता दूं यह राशिफल चंद्र कुंडली के माध्यम से तैयार किया गया है। इस राशिफल को आप लग्न कुंडली से न देखें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 6 अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है, लग्न चाहे कोई सा भी हो लेकिन चंद्रमा 6 अंक जहां पर लिखा है वहां पर स्थित है तो निश्चित ही आपकी कन्या राशि बनेगी और यह राशि फल आपके लिए है। और एक दृष्टि डालते हैं कन्या राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण जून माह की ग्रह गोचर स्थिति आपके लिए कैसे बन रही है। कन्या राशि का स्वामी जो कि बुधदेव है, वृषभ राशि में भाग्य भाव में स्थित है, सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। राहु और शुक्र मेष राशि अष्टम भाव में स्थित है 8th हाउस में, जबकि मंगल और गुरु मीन राशि सप्तम भाव में 7th हाउस में स्थित है और शनिदेव कुंभ राशि में 6th भाव में स्थित है। केतु की बात करें तो केतु तुला राशि में द्वितीय भाव में आपके लिए विराजमान रहने वाला है संपूर्ण जून के माह में। चंद्रमा की बात हम अंत में करेंगे। एक स्थिति तो कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ इस तरह की बन रही है। इसी ग्रह गोचर स्थिति में कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे इस जून के माह में, उन बदलावों पर भी एक दृष्टि डालते हैं। और सबसे पहला बदलाव आपके राशि स्वामी बुधदेव में होगा। 3 जून को बुधदेव वृषभ राशि के अंदर ही वक्री होकर के संचरण करने लगेंगे। 15 जून को सूर्यदेव का राशि प्रवर्तन होगा। सूर्यदेव वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, कर्म स्थान में स्थित हो जाएंगे 10th हाउस में। 18 जून को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा। शुक्रदेव स्वराशि वृषभ राशि में जाएंगे, भाग्य भाव में बुध के साथ महालक्ष्मी नामक योग का निर्माण करेंगे। बात मंगल की करें तो 27 जून को मंगलदेव का राशि परिवर्तन और मंगलदेव सप्तम भाव को छोड़कर 7th हाउस को छोड़कर के 8th हाउस में प्रवेश करेंगे, राहु के साथ अंगारक योग बनाने का कार्य करेंगे। तो यह संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति कन्या राशि के जातकों की इस जून माह की बन रही है। तो इस संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति के बीच बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिगोचर से कन्या राशि के जातकों को बेहद बेहद सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। जून के माह में राहु तो अष्टम भाव में स्थित हैं ही, लेकिन शुक्रदेव जो कि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं वह भी राहु के साथ युति बना रहे हैं। अंतिम सप्ताह में मंगल की युति भी राहु के साथ बनेगी जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिगोचर से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। आपको वायरल बुखार, त्वचा से संबंधित समस्याएं, लीवर से संबंधित समस्याएं आपको इस जून के माह में देखने को मिल सकते हैं। राहु के साथ मंगल की युति होगी तो यह चोट चपेट इत्यादि के योग बनाता है। यदि वाहन चलाते हैं, कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो सतर्क सावधान जरूर रहेगा, कहीं ना कहीं चोट चपेट इत्यादि के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, सावधानी से कार्य करिएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए राहु की शांति तो आपके लिए अति आवश्यक है ही, लेकिन साथ ही शुक्रदेव की आराधना करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। जब भी आप यात्रा पर जाएं, वाहन चलाएं या अपने कार्य क्षेत्र की ओर निकलें तो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही जाइएगा और हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना न भूलेगा। बात कारोबार की करें, कार्य क्षेत्र की करें, आपके करियर की करें तो करियर के लॉर्ड आपके ही राशि स्वामी बुधदेव आपके लिए बनते हैं। जून के माह में बुधदेव भाग्य भाव में स्थित हैं, सूर्यदेव के साथ युति बनाकर के स्थित हैं। 15 जून के बाद सूर्यदेव कर्म स्थान पर होंगे, 10th हाउस में होंगे जो कि आपका करियर का स्थान होता है, तो निश्चित ही कामकाज में
बदलाव आपको देखने को मिलेगा इस जून के माह में। प्रथम दो सप्ताह अत्यधिक संघर्ष आपको करना पड़ सकता है, संघर्ष अधिक रहेगा, कामकाज का तनाव भी रह सकता है, नौकरी पेशा में जो जातक हैं उनको कामकाज का तनाव भी रह सकता है। लेकिन जो अंतिम दो सप्ताह है अनिश्चित ही आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव और तरक्की के दो सप्ताह होंगे। अच्छी स्थिति कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आपको इस जून के माह में अंतिम दो सप्ताहों में देखने को मिलेगी। जो जातक सरकारी सेवाओं की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए अच्छी स्थिति है। जो जातक अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, स्थानांतरण करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी अंतिम दो सप्ताह लाभकारी होंगे। व्यवसाय वर्ग की बात करें तो व्यवसाय वर्ग के स्वामी बिजनेस के लॉर्ड आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो कि अपनी ही राशि में स्थित है सेवंथ हाउस में। यहां पर मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति की युति बनी है। ऐसे में जो जातक धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, तकनीक से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बनी हुई है, लाभ आपको अवश्य होगा। भूमि भवन के कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है, कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है। इस जून के माह में चिड़चिड़े होने से बचिएगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो अत्यधिक क्रोध करने से बचिएगा, चिड़चिड़े होने से बचिएगा और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आपकी ही वाणी से आपके कार्य बिगड़ सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास रखिएगा। ऐसी भाषा का उपयोग करने से बचें जिसमें आपको हानि हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात आर्थिक स्थिति की करें तो आर्थिक स्थिति के मामले में यह जून का माह आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से मिश्रित प्रभावशाली रहने वाला है। बहुत ज्यादा लाभ व बहुत ज्यादा हानि नहीं होगी। जीवन साथी के माध्यम से आपको कुछ लाभ अवश्य होगा, लेकिन व्यय पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अत्यधिक व्यय करने से बचिएगा। यदि शेयर मार्केट में है, सट्टा लॉटरी इत्यादि का कार्य करते हैं तो जून के माह में आपके लिए हानि के योग भी बने हुए। कर्ज देने से बचिएगा, लेन देन के मामले में सतर्क सावधान रहिएगा। बात चंद्रमा की करें तो मित्रों चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह हैं। चंद्रमा 2 से 2.25 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। जब भी चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ होता है, शुभ भाव में होता है, तो हमें अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं और सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जब भी चंद्रमा किसी क्रूर ग्रह के साथ होता है, 6, 8, 12 भाव में होता है, तो कहीं ना कहीं हमें नकारात्मकता देखने को भी मिलती है। और फलस्वरूप 1 माह के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हों या हमारे, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, घर हो या आपका कार्य क्षेत्र, कहीं ना कहीं क्लेश का वातावरण, कलह क्लेश का वातावरण हमें देखने को मिलता है। कौन सी ऐसी तारीखें कन्या राशि के जातकों के लिए बन रही है इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे शुभ तारीखें। तो तारीख 1, 2, 3, 4, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 29 और 30 जून कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ तारीखें हैं। इन तारीखों में आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 23 और 24 जून को आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। जून का माह कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ माह हो। इस जून में आप अच्छी तरक्की, मान सम्मान प्राप्त करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।